हरियाणा के बल्लभगढ़ के मोहना रोड पर 23 वर्षीय युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। प्रशासन को सूचना देने के बाद भी अभी तक मृतक के शव को नाले से नहीं निकाल पाई है। यह घटना रात करीब 9 बजे की है। बरसाती पानी ज़्यादा होने के कारण 23 वर्षीय युवक नाले में गिर गया था। अचानक बरसाती पानी में पैर फिसलने के कारण यह हादसा हुआ। युवक नाले के पास बने होटल पर खाना लेने के लिए आया था। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे लगातार मृतक की तलाश कर रहे हैं। जल्द ही NDRF की टीम भी मौके पर पहुंचने वाली है। वहीं इस बीच परिजनों को भी सूचना जैसे ही लगी तो परिजन भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तो प्रशासन के अधिकारी या कोई अभी नहीं पहुंचे? रात को तो उन्होंने ट्राई किया था, SDRF की टीम आई थी, लेकिन अंदर कोई नहीं घुसा। सिर्फ बांसों से चेक किया है तो अंदर घुसे बिना तो पता लगेगा ही नहीं कुछ भी। अब वो आश्वासन दे रहे हैं कि 16 सेक्टर से टीम आ रही है, अभी थोड़ी देर में सामान लेके निकल चुके हैं, अभी पहुँचने वाले हैं, तब वो करेंगे कुछ कार्यवाही जो भी करेंगे। रात पुलिस वाले और SDRF की टीम आई थी, उन्होंने लेकिन बांसों से चेक किया, अंदर नहीं घुसा कोई भी नाले में। अंदर घुसे बिना पता ही नहीं लगेगा बॉडी का। तो देखा किसने के यहाँ पे गिरा है? ये इन रेस्टोरेंट वालों ने देखा था, इनका कोई कारीगर था, उन्होंने देखा था कि गिरा हुआ है। हाथ का हाथ पकड़ने की भी कोशिश करी है लेकिन पकड़ नहीं पाया वो बंदा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। मनोज जी क्या हुआ है? 9 बजे के लगभग लड़का पानी जिस नाले में गिर गया, उसी टाइम पर इन्हें मौके पर आगे बजे था, लेकिन लड़का नहीं मिला। अभी रेस्क्यू टीम भी बुला रखी है, गोताखोर भी अभी आ रही है, लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। देखिए इसका लड़का गया वो किस टीम बोल सकता है, लेकिन हम अपनी तरफ से जो मारा काम काम ड्यूटी के अंदर कोई लापरवाही नहीं करे। तो कब तक पहुँच रही है NDRF की टीम? आज 5-7 मिनट में आ गई। क्या कारण रहा गिरने का? पानी ज्यादा पानी था। हाँ ठीक है।